हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोबीट। क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग आखिर अमीर कैसे बन पाते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं आज आपके साथ सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड्स के 6 सीक्रेट्स बताऊंगा। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा नया सीक्रेट सीखने को मिला। इस बुक के ऑथर हार्व एकर, जो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, और ऐसे नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो हम 6 सीक्रेट्स डीप में समझते हैं। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ एंड पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन टू मी। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब लोग सोचते हैं कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो कभी आप अमीर नहीं बन सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बाद में आप हार मानकर बैठ जाते हैं। सीक्रेट नंबर 2, रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हो तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े सपने के लिए काम करना चाहिए। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जो लोग वाकई में अमीर होते हैं वे अपने क्लाइंट्स, पार्टनर्स और कंपनी को बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि उस तरह करने से उनका इनकम बढ़ता है। सीक्रेट्स नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर फोकस करते हैं। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उन्हें रिस्क लेने की संभावना ज़्यादा होती है, उसके कारण अंत में उसको अच्छी चॉइस मिलती है। और जिन लोगों की इनकम कम होती है वह रिस्क लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके साथ बुरा ही होने वाला है। अमीर लोगों के दिमाग में अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल्स के रास्ते में आते हैं, जबकि गरीब लोग अपने गोल्स को लेकर कम कॉन्फिडेंस होते हैं। जो लोग सोच समझ कर रिस्क लेते हैं उन्हें बेहतरीन डील्स मिलती है और ज़्यादा भी कमाते हैं। सीक्रेट्स नंबर 4, रिच पीपल एसोसिएट विथ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल एंड पुअर पीपल एसोसिएट विथ नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से साथ जुड़ते हैं और गरीब लोग अनसक्सेसफुल और नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, अमीरों के रोल मॉडल्स भी होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, उन लोगों से सीखते हैं। उन लोगों के आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली होती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना चाहिए। सीक्रेट नंबर 5, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं और गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतने आपके प्रॉब्लम्स छोटे होते जाएंगे। अभी आपके आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने डर और प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने गोल पर ध्यान देना है। सीक्रेट नंबर 6, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल एंड पुअर पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का मिस मैनेज करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग्स को जोड़कर रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में पैसा लगाकर उड़ा देते हैं। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास अमीर बनने के लिए आपको अपने कम से कम पैसों को भी मैनेज करना आना चाहिए। और दोस्तों, इसका डीप में समझने के लिए आप हमारे आई बटन की समरी द ऑटोमेटिक मिलियनर्स को भी सुन सकते हो। आखिर में इस समरी का कंक्लूजन यही है कि आप अमीर और सफल लोगों के इंस्पिरेशन लीजिए। आपने अमीर और गरीब के बीच में अंतर को समझा? अपने माइंड को अपने गोल्स पर भरोसा करने दे, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब बटन दबाकर और इस वीडियो के ओपिनियन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।